আহি পাইছা ন হা হা গাড়ি কেনে লবা তুমি স্ট্যান্ড সরাই দিম হ্যালো गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि
मुख्य महाप्रबंधक श्री सुब्रत मंडल जी पधारे हैं। के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपके सामने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 3 टुकड़ियों की प्लाटून और साथ में एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की छोटी सी टुकड़ी जो यहां पर खड़े हैं मुख्य अतिथि महोदय के इंतजार में। कुछ ही समय में मुख्य अतिथि महोदय का यहां पर आगमन होगा और उसके बाद राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। उसी के साथ में जनगण मन की ध्वनि गूंजेगी जिसमें आप सभी लोगों को खड़ा होना होगा और जो वर्दीधारी है वो सैल्यूट की प्रक्रिया करेंगे। सामने परेड का नेतृत्व करेंगे इंस्पेक्टर फायर श्री राणा चौबे, परेड टू आईसी उप निरीक्षक कार्यपालक गोपीराम और पहली कमांडो जो कि आपके बाई तरफ है जो कि आपको कमांडो ड्रेस में दिख रही है उसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक कार्यपालक राजेश थालोर। उसके बाद बीच में जो कि सीआईएसएफ की पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित हैं उनका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव अजीत कुमार। उसके बाद में तीसरी प्लाटून का नेतृत्व करेंगे उप निरीक्षक अग्नि श्री अमित कुमार जो कि फायर की प्लाटून है ये, और चौथी प्लाटून जो कि डीजीआर की प्लाटून है उसका नेतृत्व कर रहे हैं जय मुशाहारी। कुछ ही समय में मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होगा और उसके बाद में ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि महोदय अपने दाहिने से बाई की ओर चलते हुए पूरी परेड का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद में मार्च पास्ट की कार्रवाई की जाएगी। यदि मैं आगे सीक्वेंस की बात करूं तो इसके बाद में आपको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से 3 से 4 आपको डेमोज दिखाए जाएंगे जहां पर आपको इस बल के जो हमारे बल सदस्य हैं उनके बुनियादी प्रशिक्षण के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके की व्यवसायिक दक्षता है, किस तरीके की यहाँ पर ऑपरेशनल इन लोगों की प्रिपेयरनेस है, तो वो सभी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले मार्च पास्ट होगा तो अभी हम सब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय का। कुछ ही समय में उनका आगमन यहाँ पर कभी भी हो सकता है। अभी कुछ समय बचा है तो 9:30 का समय निश्चित है तो उसके बाद से फिर हम लोग जो है आगे की प्रक्रिया कार्रवाई शुरू करेंगे। यदि हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो ये भारत का ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जो कि निसंदेह 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 जो कि ब्रिटिशर्स एक्ट था उसको हटा करके भारत का संविधान जो कि भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया था जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का अभूतपूर्व समय लगा, उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संसद में अंगीकार किया गया और अंततः 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। सही मायनों में देखा जाए तो इसी दिन हम पूरी ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आजाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र तो हो गए थे लेकिन स्वतंत्र भारत का अपना कोई स्वयं का कानून नहीं था। इसी कानून के निर्माण के लिए डॉक्टर भीम डॉक्टर संविधान सभा का एक गठन किया गया और उस संविधान सभा ने 308 सदस्यों के माध्यम से 2 साल 11 महीने जैसे मैंने पहले बताया 18 दिन के अथक मेहनत के बाद संविधान का निर्माण किया।
ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी का अभूतपूर्व योगदान रहा इस संविधान के निर्माण में। और कहना ना होगा 2015 जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में निश्चय किया गया। तब से अब हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाते हैं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में। मुख्य अतिथि महोदय घर से निकल चुके हैं, हो सकता है कृपया जो भी लोग पीछे दर्शक दीर्घा में हैं और आगे की कार्रवाई भी सुचारू रूप से चला सके। जितने भी लोग हैं सभी अपने अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन ले लें, जगह ले लें, स्थान ले लें ताकि कोई आगे व्यवधान ना हो। Ladies and gentlemen, welcome to the 72nd Republic Day celebration at NTPC Bongaigaon. Our chief guest, Sri Subrata Mandalji, will be arriving in a short while. चिकन होंगे जल्दी जल्दी से वहाँ चिकन बस। 26 जनवरी को समारोह में यदि हम नई दिल्ली की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। इसके बाद सभी लोग सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी जाती है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है जिसमें भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट वायुसेना नौसेना आदि से भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर और अन्य विद्यालयों से बच्चे आते हैं। परेड प्रारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति जो राजपथ के छोर पर इंडिया गेट उपस्थित है वहां पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं और शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन देश के बलिदान देने के लिए शहीदों का बलिदान का एक स्मारक है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर आते हैं और फिर लखनऊ साहब राष्ट्रपति बाद में मुख्य अतिथि के साथ में पहुंचते हैं। इसके अलावा परेड के बाद विभिन्न राज्यों की झांकी होती है इसका सीधा प्रसारण देखा जाता है। कुछ समय में मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने वाला है। परेड बिल्कुल तैयार है मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए। जैसे ही मुख्य अतिथि महोदय मंच पर पहुंचेंगे तो परेड आईसी के द्वारा हम लोग तो छुटक लगे जयरोहण के पश्चात वहीं पर ही राष्ट्रीय शिल्प की कार्रवाई की जाएगी और साथ में जनगण मन का राष्ट्रगान मोहम्मद सेकंड चलेगा और सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान से खड़े होंगे और जो लोग वर्दी धारी हैं वो सैल्यूट करेंगे। हमारे मुख्य महाप्रबंधक पधार चुके हैं। रोब रहे खुला आंठा मांगना नहीं सुन नहीं को नो असर नहीं होना मुझे पिक्चर ऑन फिल्म रखें ना सुनना होता मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है
मेरा अनुरोध होगा सभी से कि राष्ट्रगान के सम्मान में सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। On the 72nd Republic Day at NTPC Bongaigaon, this time we have four platoons. Paired IC, जो श्री राम चौबे हैं, वो निरीक्षण वाहन प्रश्न हैं, और निरीक्षण वाहन दाहिने की तरफ घूमता हुआ. चारों प्लाटून मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए बेटा तैयार. निरीक्षण वाहन अपनी मंत्र गति से धीमे गति से चलता हुआ पहुंच रहा है पहले नंबर प्लाटून के सामने. पहले नंबर प्लाटून जो कि कमांडो प्लाटून और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक कार्यपालक श्री राजेश थैलोर. और मैं दर्शक दीर्घा में लोगों से कहूंगा कि वो जरूर तालियों से कम उनका जरूर स्वागत करें, अभिनंदन करें. कमांडो प्लाटून के बाद सीआईएसएफ की पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित प्लाटून का रहे हैं श्री अजय कुमार उप निरीक्षक कार्यपालक उनका नेतृत्व. और उसके बाद तीसरे नंबर प्लाटून की ओर निरीक्षण वाहन गुजरता हुआ जिसकी कमान संभाल रहे हैं उप निरीक्षक अग्नि श्री अमित कुमार. जोरदार ताली. और उसके बाद में व्यावसायिक दक्षता में उतरे एस आर्मी के लोग डीजीआर की प्लाटून जिसकी कमान है जे मुसाहारी के हाथ में. मुख्य अतिथि महोदय का वाहन निरीक्षण से गुजरता हुआ वापस पुनः मंच की ओर. अब जबकि मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण हो चुका है पूरी परेड का, तो उसके बाद परेड आईसी मार्च पास्ट के लिए अनुरोध करेंगे. उसके बाद में फिर एक शानदार परेड आपके सामने कुछ ही क्षणों में. गणतंत्र दिवस का भूतपूर्व पर्व
पेशेंट गाड़ी पुनः मंच की ओर बढ़ती हुई। प्रणाइसी ने मुख्यमंत्री महोदय का सल्यूट किया और वापस निकल गए हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। कुछ काल के बाद में अपनी अपनी जगह लेते हुए परेड आईसी परेड टू आईसी अपने रिस्पेक्टिव जगह पर जा रहे हैं और कुछ ही समय में वहीं से उसी स्थान से परेड मार्च शुरू करेगी। जोरदार तालियों स्वागत कीजिए परेड का। परेड स्वतंत्रता स्वाभिमान संस्कृति एकता सभी की जीती जाती मिसाल कंधे से कंधा मिलाते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान और साथ में टीजीआर के छोटे से कार्टून तना सीना मुंह पर मुस्कान यही है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जवान की पहचान। पहली प्लाटून मंच की तरफ बढ़ते हुए कमांडो प्लाटून इनके हाथ में है आधुनिक शस्त्र सीएमजी और परेड आईसी बढ़ते हुए सलामी मंच की ओर। द फर्स्ट प्लाटून वी हैव इज फ्रॉम सीएमएसएफ कमांडो। अजित कुमार के कमान में सीएसएफ के पारंपरिक निकलती हुई और इसके बाद में उप निरीक्षक अग्नि अमित कुमार अग्नि के प्लाटून का नेतृत्व करते हुए और इसके बाद में है डीजीआर के प्लाटून चेक मुसाहारी और इसके पीछे पीछे आप देख रहे होंगे हमारी फायरिंग की तीन गाड़ियां। सबसे पहले है मिनी फायर टेंडर या अग्निशमन समान शाखा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिसमें जीप के साथ एक पोर्टेबल पंप फिटिंग किया हुआ है जिसका इस्तेमाल बरसात के समय जल भराव से निवारण हेतु डिवाटरिंग के लिए किया जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बरसात बहुत ज़्यादा होती है वाटर लॉगिंग की समस्या कई बार देखने को मिलती है तो इसके लिए है यहाँ पर मिनी फायर टेंडर जो कहीं भी कभी भी पहुँच सकता है और जल जमाव की स्थिति से छुटकारा दिला सकता है। इसके बाद है डीसीपी टेंडर आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर यह भी अग्निशाखा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण व्हीकल है जिसका इस्तेमाल उपकरण जैसे कि ट्रांसफार्मर फायर जनरेटर ट्रांसफार्मर फायर स्टेशन में स्विच यार्ड आदि बड़ी आग में इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण में 1000 kg डीसीपी पाउडर के 2 वेसल्स हैं और पाउडर के निष्कासन हेतु नाइट्रोजन के 8 सिलेंडर जैसे कि आप अपने बाएं तरफ देख भी रहे होंगे आपको सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं तो नाइट्रोजन के 8 सिलेंडर्स हैं जो कि यहाँ पर दो की संख्या में उपलब्ध हैं। और इसके बाद है डीसीपी का फोम टेंडर जिसका इस्तेमाल मुख्य टेंडर जोरदार ताली हो जाए हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए राजू रजक रिलीज करते हुए और उसके बाद में लास्ट में है होम टेंडर जो कि अग्निशमन विरोधी सूट में आपके सामने बिल्कुल सलामी मंच पर इसको हेड कांस्टेबल डीसीपीओ राजन गोगोई सैल्यूट करते हुए मुख्य अतिथि महोदय को। परेड के साथ साथ आपको अग्निशमन की तीनों गाड़ियां
Company has a diversified fuel mix, and by 2032
Not possible coal based generation capacity shall make up nearly 30% of NTPC's portfolio. NTPC Group generated its highest ever day gross generation of 1,009 million units on January 18, 2021, reinforcing its commitment to efficient operation across its power stations. NTPC Bongaigaon generated 2,271.67 million units in this financial year. PLF is 42.64%. The station achieved highest ever monthly DC of 103.3% in June 2020. The plant also achieved highest ever quarterly DC of 103.05% in quarter one of the financial year. Besides, it also achieved annual DC of 99.42% in financial 2021 till date, which is best among NTPC stations. For controlling SOx emission, blue gas desulfurization system is under installation at Bongaigaon. I would also like to bring to your notice that NTPC Bongaigaon awarded contract for rooftop solar project of 900 kilowatts at the station, and I am confident that we will commission the same by February 2021. It is pertinent to inform that NTPC Bongaigaon is performing well in the area of ash utilization. Our station has utilized 62.59% of fly ash in this financial year and achieved 100% fly ash utilization in November and December 2020. The station achieved highest ever ash utilization, 36,689 million metric tons in June 2020. Our commitment towards safety has been recognized as NTPC Bongaigaon has won the 19th annual Green Tech Safety Award 2020 in Industry Sector Safety Excellence category. Our operation and maintenance practices, in spite of the pandemic situation, has been encouraging, and I compliment all for putting the flag of NTPC Bongaigaon flying high both in Eastern Region 2 and NTPC as a whole. I also take this opportunity to urge all to work towards completion of various construction activities which are in pipeline at the township and at the station. I would also take this opportunity to underline the fact that efforts should be made to ensure timely payment to our vendors and all stakeholders. NTPC has always been a learning organization and lays emphasis on knowledge enhancement and trends that impact the industry and the sector. Various training initiatives are being done for employees and contractual workers by our station, Eastern Region 2 and PMI for skill enhancement. I am confident that we will constantly upgrade ourselves on various training modules and sessions for our professional and personal development. In this juncture, I would like to congratulate Sri Prakash Sutradhar from FM department, who has developed an innovative app called Namaste, which is a HD video conferencing app for seamless connectivity. My heartiest congratulations goes to QC teams of Bongaigaon, Black Treasure and Sankalp, who have won gold prize at the annual CCQC 20 convention of Guwahati subchapter, and also bringing laurels in the Regional Quality Circle Convention. Our station also successfully conducted 11th Eastern Region 2 Regional Quality Circle Convention 2020, in which our QC team, Lab Treasure, emerged champions. In the recently concluded Regional Professional Circle Meet, Professional Circle Team Electra of Electrical Department have made it to the corporate level Professional Circle. I congratulate them and compliment all the employees of various departments who have participated in various events. Keep up the good work and continue to bring laurels to the station. As an endeavor to control COVID-19, NTPC Bongaigaon distributed nearly 3,739 number of PPE kits. More than 36,000 of masks were given to the needy, which includes 14,000 masks by Bhagyashika Ladies Club, over 35,000 kgs of ration and 5,500 liters of disinfectant spray were arranged at nearby villages, besides providing adequate number of gloves, meal packets and sanitizers.
Our commitment towards our society and nearby stakeholders must be adhered to at all levels, and we have to work, think on projecting NTPC Bongaigaon as a professionally driven and value-based organization in the days to come. My sincere thanks to Rakhivishika Ladies Club, Sports Council, Employees Workers Association, Puja Committee members who have kept the township life vibrant and engaged in the testing time of COVID by organizing various festivities with zeal and rigor. I would also like to thank the union and associations for their constant support on various decisions taken by the management. I also thank the CISF, DGS security officials who have been an integral part of our lives in NTPC Bongaigaon in being vigilant on security, law and order of the station. I would like to appreciate ICH for catering to the hospitality requirements of our station. Special thanks goes to the health workers and medical fraternity of NTPC Bongaigaon for constantly ensuring the good health of our employees and associates around the clock. I am also grateful to the district and state administration who have been very supportive and cooperative to NTPC Bongaigaon on various occasions. I urge all to work as one team and bring laurels to NTPC Bongaigaon and the region as a whole by benchmarking our practices and taking new initiatives for the improvement of the station in various areas. Before I conclude, I once again reiterate all to be cautious towards COVID-19 and adopt all necessary steps towards the new normal. Keep the mantra, jab tak dawai nahi, tab tak dhilai nahi, while working within and outside the plant premises. I once again congratulate one and all on occasion of the Republic Day in the country. Jai NTPC, Jai Hind. Thank you. विसर्जन की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड आईसी ने परेड के विसर्जन की अनुमति मांगी, जिसको सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है मुख्य अतिथि महोदय ने। परेड आईसी ने परेड 2IC को चार्ज दे दिया है। I would request Chawla sir to please assist CGM sir to the VIP pavilion. Parade वापस मुड़ते हुए अपने गंदा भी दूर होते हुए Respected CGM sir, GM O&M sir, GM Maintenance sir, GM Operations sir, Commandant CISF, AC Fire, Deputy Commandant CISF, all HODs and senior officials of CISF, representatives of unions and associations, Sports Council, EWA, committee members of Parvi Shikla Ladies Club, Principal Notre Dame Academy, and all employees and my dear family members, I would like to welcome you all to the 72nd Republic Day celebrations at NTPC Bongaigaon. As we all know that today we come together to celebrate the 72nd Republic Day. This day reminds us of the freedom struggle and how real freedom fighters sacrificed their lives to get Purna Swaraj. 26 January 1950 में भारत को मिला था अपना संविधान. इसके बाद से भारत एक लोकतंत्र, एक गणतंत्र घोषित हुआ. हर साल इस दिन को बड़े उल्लास से मनाया जाता है, परंतु कोविड महामारी के प्रतिबंधों के वजह से हम इस साल सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन नहीं कर पाए, पर हम आपको निराश नहीं करेंगे. एनटीपीसी बंगाईगांव को कोविड महामारी के दौरान निरंतर बिजली उत्पादन में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथियों ने भरपूर समर्थन दिया. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हमारे साथ हमेशा थे, चाहे उनकी शौर्यता की बात करें या चाहे उनकी आपातकालीन स्थिति में हमारे साथियों को संभालने की बात किया जाए. इस वीरता और शौर्यता का प्रदर्शन लेते हुए एक छोटी सी प्रस्तुति लेके आ रहे हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल NTPC बंगाईगांव.
डिफरेंट पावर सेल का सेगमेंटेशन है जो कि अभी कुछ समय में आपके सामने है यहीं पर एनटीपीसी ग्राउंड में। और जबकि अभी यहाँ पर कुछ समय है तो यहाँ पर मैं महारत्न कंपनी एनटीपीसी के बारे में आप सभी दर्शकों को से कुछ बातें साझा करना चाहूँगा कि एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी जिसकी संस्थापित क्षमता 63,785 मेगावाट की है और इसकी योजना 2032 तक 130 गीगावाट क्षमता वाली कंपनी बनेगी है। सन 1975 में स्थापित एनटीपीसी का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी और सर्वोत्तम विद्युत उत्पादक कंपनी बनने की है। एनटीपीसी के पास व्यापक पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास तथा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने तथा विद्युत सृजन करने की अपने मुख्य व्यवसाय के साथ सुसंगठित सीएसआर नीतियां मौजूद हैं। कंपनी नवीन पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के साथ बहु ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को इष्टमीकृत करके प्रतिस्पर्धी कीमत पर सतत तरीके से विश्वसनीय विद्युत उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके द्वारा एनटीपीसी देश के आर्थिक विकास एवं समाज कल्याण में अपना योगदान भी देता है। एनटीपीसी की जो दृष्टि है वो है भारत के विकास को ऊर्जा प्रदान करते हुए विश्व की अग्रणी विद्युत कंपनी बनाना और इसका अभियान नव प्रवर्तन एवं स्फूर्ति द्वारा संचालित रहते हुए किफायती दक्षतापूर्ण एवं पर्यावरण हितैषी तरीके से विश्वसनीय विद्युत ऊर्जा एवं संबद्ध सेवाएं प्रदान करना। एनटीपीसी जिसकी मूल मान्यता है सत्य निष्ठा, ग्राहक को प्रधानता, संगठन पर गौरव, परस्पर आदर एवं विश्वास, नव प्रवर्तन एवं ज्ञानार्जन, संपूर्ण गुणवत्ता एवं सुरक्षा, ऐसे महान कंपनी का हिस्सा यदि हम सुरक्षा के पार पहले से ऐसे के लोग हैं तो हमें भी यहाँ पर बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है कि ऐसी महान नवरत्न कंपनी की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुशक्त कंधों पर है। Ladies and gentlemen, on this 72nd Republic Day celebrations at NTPC Bongaigaon, we will be presenting you a display of valor and courage by the employees of CISF. सबसे पहले आपके सामने होगा साइलेंट ड्रिल का प्रदर्शन, जिसमें कोई वर्ड ऑफ कमांड नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला जाएगा, केवल मूव कवायद, केवल इशारे से ही आपके सामने जवान हथियारों के साथ अपना प्रदर्शन करेंगे। आपको उसमें उनका आपसी संयोजन, समन्वय, तालमेल, सभी चीजें आपको इस मूव कवायद में नजर आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है कि जो लोग परेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्हीं लोगों को ही ये मूव कवायद भी करनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को मूव कवायद के हिसाब से ढालने के लिए, अडेप्ट होने के लिए चंद छोड़ों का समय। जैसे ही वो लोग तैयार होंगे तो कुछ ही समय में आप देख रहे हैं आपकी दाहिनी तरफ लोग तैयार हैं और कुछ ही समय में आपके सामने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा साइलेंट ड्रिल का एक शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। मैं दर्शक दर्शिका में बैठे हुए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जैसे वो लोग यहाँ पर आते हैं तो एक बार तालियों से जरूर उनका हार्दिक स्वागत करें। ऑल एनटीपीसी में सूरज ने भी अपने चेहरे पे मास्क लगा करके कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, अभी उसके भी दर्शन हुए नहीं है, नहीं तो पिछली बार अच्छी खिली हुई धूप थी इस प्रांगण में और साथ में रंग बिरंगे परिधान पहने हुए बच्चे और उनकी शानदार प्रस्तुति थी हमारे सामने। उम्मीद है कि जबकि इस साल वैक्सीन हम लोगों के बीच में आ चुकी है, फर्स्ट टाइम वर्कर को लग भी गई है, तो वैक्सीन के माध्यम से इस कोविड-19 से हम
कुछ ही महीनों में पूर्णतः निजात पा लेंगे। और जैसे कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तब तक हमें कोरोना 19 के सभी सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों का पूर्णतया पालन करना चाहिए। इवन ये भी कहा गया है कि जब वैक्सीन लगवा भी लेते हैं तो भी आपको ढिलाई नहीं बरतनी है। तो इन सब चीज़ों का ऑफकोर्स हमें ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर कुछ ही समय में आपके सामने जवान से ऐसे हुए याद हो रहे हैं मुकवायद के लिए। लॉकडाउन के समय में मैं काफ़ी याद है हमें कि जब पूरी ट्रेन आवागमन के सारे साधन ठप हो गए थे, उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम लोग इस प्लांट के एम्प्लॉयज़ को और सीआईएसएफ के सदस्यों को किस तरीके से रेगुलेट करेंगे। तो वहाँ पर एनटीपीसी की तरफ से और सीआईएसएफ की तरफ में एक आपस में मशवरा किया गया, विस्तृत परिचर्चा के लिए, और उसके बाद में खाका तैयार किया गया कि कैसे कोरोना की लड़ाई से हमें आगे जंग लगनी है। यहाँ आपके सामने मैं आपके ध्यान ले देना चाहूंगा मंच की दाहिनी तरफ, जहां पर सीआईएसएफ के बल सदस्य कदम ताल करते हुए मंच की ओर बढ़ते हुए नाम से स्पष्ट है, शांत व मौन रहते हुए बिना किसी मौखिक आदेश या इशारे के आपसी तालमेल व अनुशासन के साथ कवायद का ड्रिल का प्रदर्शन। इस प्रकार के प्रदर्शन से जवानों के अनुशासित होने के साथ साथ उनकी व्यावसायिक दक्षता के साथ साथ क्षमता का भी पता चलता है। ऐसा तालमेल कि जैसे इनका आपस में कोई गहरा रिश्ता, और वो रिश्ता जो कि देशभक्ति का तो है ही, और साथ में इनके देशभक्ति से ओतप्रोत दिलों को भी जोड़ता है। बहुत ही कम समय में तैयार किया गया बस सदस्यों के द्वारा ये साइलेंट ड्रिल, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से कोशिश करते हुए कि हम अपना बेहतर, अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन आपके सामने रख सकें। ये देखिए आपके सामने 3 लाइन से 1 लाइन में बेहद खूबसूरत प्रदर्शन और अभ्यास से इस हैरत अंगेज कार्य को साथ सीआईएसएफ के जवान आपको यहां पर एक तालमेल नजर आएगा, एक गति नजर आएगी, एक क्रम नजर आएगा जो कि यहां से आप देखें तो बहुत शानदार। ये देखे सामने आके जो बंदूक अभी जमीन पर थी, तुरंत कैसे पलक झपकते ही कंधे पर आ गई दुश्मन पर निशाना साधने के लिए। और यहां पर ये
सर्कुलर मूवमेंट राइफल को अपने सामने से उठा करके पीछे की तरफ ले जाते हुए एक सर्कल बनाते हुए धीरे धीरे बारी बारी से एक रिदम एक तालमेल मुख कवर साइलेंट ड्रिल आपके सामने आप समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा यहाँ पर संयोजन होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर अभ्यास की जरूरत पड़ती है ताकि सारे के सारे मूवमेंट्स एक क्रम पर एक साथ नजर आए और यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाते हुए हाथ रखते हुए एक साथ सदैव अग्रणी CISF और यहाँ पर देखिए एक शानदार लहर बहुत बढ़िया जैसे लहर समुद्र में आगे बढ़ती है वैसे यहाँ पर लहर का एक शानदार निर्माण करते हुए संयोजन के द्वारा CISF के बल सदस्य समय की कमी के बावजूद भी इतना शानदार प्रदर्शन निसंदेह अपने साथी के ऊपर में पूर्ण विश्वास करते हुए अपने हथियार पर पूर्ण नियंत्रण समूह में काम करने तथा अपेक्षित परिणाम को प्राप्त करने के लिए सभी इकाइयों के एक समान प्रतिबद्धता को अंकित करता है और तेजी से एक दूसरे को सबके राज्यों के बीच ऊंचा कार्यकाल शस्त्र करते हुए और फिर उसके बाद बगल और यहाँ पर हमने छोटा सा रास्ता तैयार किया है अपने अधिकारी के लिए गुजरती उसी राज्यों के बीच एक दल का अधिकारी जो कि बिना टकराए उनके बीच में से निकल गया ये जवानों के संयोजन को और उनके आपसी तालमेल को दिखाता है इसके लिए सघन अभ्यास की जरूरत पड़ती है और ऐसा बिना टकराए ये इनका शानदार प्रदर्शन के नमूने को भी इंगित करता है और यहाँ पर राइफल का सर्कुलर मूवमेंट आपके सामने एक बार फिर और फिर एक बार बल का अधिकारी इनके बीच से गुजरता होगा शस्त्रों को आपस में बिना टकराए इस तरीके से अपने अधिकारी को जानने के लिए रास्ता बनाना ये इनका हेल्प अंगेज प्रदर्शन और कम समय अवधि में ये प्रोग्राम कैसे बनते हैं कैसे इनका कितने सघन इतिहास की जरूरत पड़ती है कितनी बार बार अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है अपने कोऑर्डिनेशन को देखना पड़ता है और यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन से बंदूक थामने का प्रदर्शन आपके सामने यहाँ पर कुछ लोग सिटिंग पोजीशन में कुछ लोग हाई स्क्वाड कुछ लोग नेलिंग बहुत शानदार प्रदर्शन एक बार जोरदार तालियां A big round of applause for this team. A brilliant display of teamwork and discipline that was displayed. अग्निशमन के द्वारा यहाँ पर ब्रांच डेमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन आपके सामने किया जाएगा CISF की अग्निशमन शाखा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है यहाँ पर पहले रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्स शूटिंग का यहाँ पर आपके सामने डेमो किया जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग फायर विंग के प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। रिफ्लेक्स शूटिंग यानी कि आपको बहुत ही कम समय के अंदर में एक कमांड के द्वारा आपको फायरिंग की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को तैयार करना है और उसके बाद में अपने दुश्मन को निस्तनाबूद करना है। रिफ्लेक्स शूटिंग यानी कि शूटिंग जब भी आप करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि आप अंधाधुंध कहीं पर फायरिंग नहीं कर सकते हैं, और दुश्मन को दिमाग गिराना हो तो सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले होता है कवर यानी कि आड़, आप आड़ लेते हैं और आड़ के अनुसार दुश्मन फायर करते हैं। यदि आड़ छोटी होती है, कवर छोटा होता है तो नेलिंग पोजीशन, कवर थोड़ा सा और बड़ा हो तो हाई नेलिंग या फिर स्कॉट और हाई स्कॉट। और यदि कवर आपको पूरा आपको यदि आपने पूरी लंबाई के अनुसार मिल रहा है तो आप उस कवर के अनुसार स्टैंडिंग पोजीशन से भी फायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आड़ के अनुसार कवर के द्वारा जो कि आपके सामने जवान यहां पर हथियार की जांच करते हुए यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन से फायरिंग का नमूना देते हुए कंधे पर राइफल और सामने यदि आड़ कंधे तक पहुंचे तो इस पोजीशन से फायर किया जा सकता है। यह है हाई स्कॉट पोजीशन। यदि आड़ थोड़ी छोटी हो तो इस पोजीशन से भी अपना बैलेंस बना करके सामने दुश्मन को मार गिराया जा सकता है। यह है लो स्कॉट पोजीशन यानी कि आड़ यदि थोड़ी सी और छोटी हो भाई तक ना तो उस पोजीशन उसको खत्म किया जा सकता है। पोजीशन यहां पर अपने हाथ को घुटने लगाते हुए बैलेंस बना करके काफी देर तक दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। यह उस समय इस्तेमाल किया जाता है जबकि आड़ केवल आपकी आधी हाइट तक पहुंचे। इसके बाद है ये सिटिंग पोजीशन जहां पर आप बैठ करके आड़ का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। ये सारे सभी संयोजन फील्ड क्राफ्ट टेक्टिकल मूवमेंट्स हैं जो कि युद्ध के समय या आपदा के समय कहीं पर भी सामने आपके दुश्मन है तो आप अपने टैक्टिक्स के हिसाब से ग्राउंड को कवर करते हुए आप एडवांस कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं और दुश्मन के मोर्चे पहुंच को ध्वस्त करते हुए अपना। इसके बाद ये लाइन पोजीशन कि जहां पर केवल आपका और ये आमने सामने इनफैक्ट ये टेक्निकल पोजीशन तो नहीं कही जाएगी, ये है एक छोटे से ड्रिल का ही नमूना कि जहां पर हम डिफरेंट डायरेक्शन से भी फायर आ रहा है तो किस तरीके से हम आगे पीछे अपना संयोजन साधते हुए चारों तरफ निगरानी करते हुए दुश्मन को कहीं से भी आ सकता है। तो 360 डिग्री का ये संयोजन आपके सामने। और जहां पर आपको मैंने पहले भी बताया था पोजीशन सब सेम है, हाई स्कॉटिंग, नीलिंग, स्टैंडिंग, हाई नीलिंग। यहां पर अल्टरनेट लाइन पोजीशन, अल्टरनेट सिटिंग, अल्टरनेट नीलिंग यानी कि एक छोड़ करके एक बारी बारी से। अब यहां पर आपके सामने अल्टरनेट लाइन पोजीशन, एक जवान आगे की तरफ और एक जवान पीछे की तरफ।
आपके सामने सामने नीलिंग पोजीशन, उसके बाद सिटिंग, नीलिंग, हाई नीलिंग, लो स्कोर, हाई स्कोर और लास्ट में स्टैंडिंग पोजीशन। मैं यहाँ पर जिनकी ट्रेनिंग भेजा मैं उनको कहूँगा कि इसका जो टुकड़ी का जो ग्रुप है वो थोड़ा सामने की तरफ में रखते तो थोड़ा सा यहाँ पर दर्शक भूमिका में और थोड़ा देखने के लोगों को सुविधा रहती। इसका रुख सामने की तरफ दर्शक भूमिका की तरफ थोड़ा सा चलते, एक बार आपके सामने यदि आड़ बहुत ज्यादा हाइट पर है तो कैसे ऊपर चढ़ करके दुश्मन को मार गिराया जा सकता है, उसका भी एक शानदार नमूना आपके सामने। इसे बोलते हैं मैन माउंट फायर। और यह वेरियस पोजीशन, सामने लाइन पोजीशन, उसके बाद में नीलिंग और उसके बाद में स्टैंडिंग पोजीशन। और फिर से वही कार्रवाई पीछे की तरफ अल्टरनेट वेरियस पोजीशन। समाप्ति हो चुकी है तो यहाँ पर हथियार का एक बुनियादी वसूल होता है कि जब भी हथियार को इस्तेमाल करते हैं तो हथियार इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद हथियार को अच्छी तरीके से जांच लिया जाए ताकि उसमें कोई टूट फूट या कोई भी रुकावट नहीं है। और जांच करने के बाद मैथिल चला करके हथियार को दोबारा से सेफ पोजिशन में लाते होंगे। और यहाँ पर शानदार प्रस्तुति सीएसएफ के रिफ्लेक्स की टीम के द्वारा, जहां पर आपने देखा किस तरीके से कवर के अनुसार आड़ के अनुसार पोजीशन लेते हुए दुश्मन को मार गिराया जा सकता है। इसके बाद में आपके सामने एक और हैरत अंगेज प्रदर्शित होगा बाइक का, जहां पर कि बाइक के द्वारा मैं आपको कम से कम उतना तो नहीं कहूंगा कि जैसे आप राजपथ पे देखते हैं, लेकिन यहां पर छोटे सा हमारा संयोजन है जो कि आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है, ये वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए सभी लोग पूरी टीम इनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लोगों ने काफी अच्छी मेहनत की है और आप देख रहे हैं अपने बाईं तरफ, आपको बाइक की आवाज सुनाई दे रही होगी, अपना ध्यान दे जाइए बाईं तरफ जहां पर आपको बाइक से सीएसएफ के बल सदस्य आपको कुछ डेमो आपके सामने दिखाएंगे। कर्तव्य परायण का शौर्य और कौशल हमने रथ में पाया है, जान माल बचाओ की सेवा करके राष्ट्र का नाम बढ़ाया है, हमसे टकराकर बाधाएं भी हो जाती हैं सरल। जी हां, हमसे टकराकर बाधाएं भी हो जाती हैं सरल, तभी तो हमें कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आपके सामने बाई तरफ अद्भुत संयोजन तीन बजे से एक बाइक पर और साथ में तिरंगा लहरता हुआ फहराता हुआ आप
आपके सामने और उसके पीछे किस तरीके से लोगों ने अपना संतुलन साध रखा है बाइक के ऊपर में, ये तीन गाड़ियां आपके सामने एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन रेड बांदरों का, इन प्रहरियों का, जो कि तिरंगा हाथ में लेकर के आपके सामने बहुत शानदार विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये एक शानदार छोटी सी प्रस्तुति थी बाइक पर, और इसके बाद आपके सामने फायर का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। अग्निशमन शाखा आपके सामने जो कि प्रस्तुत करेगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल फायर विंग अरे एक बार फिर चलिए दर्शकों के अभूतपूर्व मांग पर एक बार फिर मन नहीं उतरा तो एक बार तो दर्शकों को आना ही चाहिए। तो यहाँ पर चार बल सदस्य एक बाइक पर और यहाँ पर जय हो एक बार फिर सलामी मंच की ओर बढ़ती है दूसरी बाइक तिरंगों को हाथ में लेकर के जय हो उत्केश के साथ जय हो पौष जय हो सर्वदा जय हो भारतवर्ष जय हो भारत भूमि जय हो वो सभी लोग जिन्होंने हंसते हंसते देश इस देश को स्वतंत्र बनाने में गणतंत्र बनाने में जिन्होंने अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति दे दी। और एक बार आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा आपके दाहिनी तरफ जहां पर सीएसएफ फायर विंग की गाड़ी अपने प्रदर्शन के लिए तैयार। और यहां पर डिफरेंट ब्रांच का डेमोन्स्ट्रेशन आपको नजर आएगा। अग्निस्कंध केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एक अविभाज्य अंग है जो देश भर की अग्नि सेवाओं में सबसे बड़ा, जिसका फोर्टर प्रबंधन विज्ञान उन इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले प्रशिक्षित कार्यक्रमों के द्वारा किया जाता है। यहां पर फायर के अनुसार टाइप ऑफ फायर के अनुसार ब्रांच को लगाया जाता है और जिस तरीके की ब्रांच होती है उसी अनुसार फायर का बुझाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊंची फायर की बिल्डिंग में लगी हो किस तरीके से पानी को हाई तक इस ब्रांच के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर यह है शॉर्ट ब्रांच थी जो कि सॉलिड जेट वाटर को इंजेक्ट करती है हाई पर, और इसके बाद है डिफ्यूज ब्रांच जो कि जेट को स्प्रे जेट को प्रोड्यूस करती ही करती है साथ में एक स्प्रे भी बनाती है। आप देख सकते हैं डिफ्यूज ब्रांच आगे जाकर किस तरीके से चला रही है, स्प्रे भी कर रही है और शुरुआत में जेट ये देखिए आप किस तरीके से पूरी जब फोर्स में जब पानी आता है तो किस तरीके से यहाँ पर डिफ्यूजन भी है जेट भी है फोर्स भी है और इसके सामने आग को बुझना ही होता है। इसके बाद जो अगली ब्रांच होगी वो है रिवॉल्विंग ब्रांच बंद कमरे में यदि आग लगी हो तो उसमें इस रिवॉल्विंग ब्रांच का इस्तेमाल किया जाता है।
वो जो उसके चारों तरफ पूरी दिशाओं में घूम करके पूरे आपको सबसे डायरेक्ट करके बुझा देती है। ये देखिए रिवॉल्यूम का, एक बंद कमरे में चारों तरफ आग लग गई हो तो इस जांच का इस्तेमाल करके आपको बुझाया जाता है। सीआईएसएफ के अग्निशमन शाखा के लिए जवान जो कि एक शानदार नमूना, और यहाँ पर आपके सामने मैं बताऊंगा नहीं कि ये क्या है, आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि गणतंत्र दिवस पे देशभक्ति के इस महान पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व पर, कि कैसे अग्निशमन शाखा अपना ट्राई कलर बनाती है, कैसे एक सल्यूट देती है अपने संयोजन के माध्यम से, ये आपको अभी नजर आएगा। मंच के बीचों बीच तैयार होते हुए यहाँ पर आपको तीन मिसाइल जैसी चीजें नजर आ रही होंगी, तीन क्रम में ऊपर मध्य और नीचे, और थोड़ी देर में देखते हैं इनसे क्या निकल के सामने आता है। अग्निशमन शाखा केंद्रीय अग्नि सुरक्षा बल का एक ऐसी ब्रांच है, शाखा है जिसका, और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। सीटी बज गई है और यहाँ पर जेट सामने की तरफ से निकलता हुआ गुड़ियों को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर तीन अलग अलग रंग आपके सामने आप देख रहे हैं, गुलाबी, सफेद और नीचे आपको आसमानी रंग आपके सामने गुजरता हुआ आपके सामने एकदम यह तिरंगे की बातें अपनी फुट में नहीं छोड़ता हुआ कि मैं तिरंगा नहीं हूं तो क्या हो, देखिए मेरे में भी तीन रंग जो कि आपके सामने। जय हो, शानदार नमूना, शानदार प्रदर्शन इस ट्राई कलर के माध्यम से, ये भी अपना एक अलग ही संदेश इस राष्ट्रीय पर्व पर मानो दे रहे हो। सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा ये ट्राई कलर का अद्भुत शानदार प्रदर्शन, मैं सीआईएसएफ के फायरमैन की थोड़ी सी आपसे और भी चर्चा करूं तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एकमात्र ऐसा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसके पास अपना पूर्ण रूप से विकसित अग्नि सेवा स्कंध है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अग्नि सेवा देश में सबसे बड़ा प्रोफेशनल, सुप्रशिक्षित और सुसज्जित अग्नि रोधी बल है जो पेट्रो रसायन कॉम्प्लेक्स, ऑयल रिफाइनरी, इस्पात संयंत्र, रसायन उर्वरक संयंत्रों, पत्तन ट्रस्ट, अंतरिक्ष संगठनों, ऊर्जा संयंत्रों, रक्षा प्रतिष्ठानों और वित्त मंत्रालय के अधिष्ठानों जैसे अति संवेदनशील अघातियों और खतरे वाली इकाइयों को अग्नि से सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अग्निस्कंध 7549 अग्नि प्रोफेशनल की नफरी के साथ देश भर के 102 विभिन्न प्रतिष्ठानों में आग से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक अग्नि सेवा प्रशिक्षित संस्थान है जिसकी स्थापना देवली राजस्थान में वर्ष 1987 में 84 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या के साथ की गई थी। बाद में FSTI को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल निशा हैदराबाद हाकिम पेट में 1999 में स्थानांतरित कर दिया गया था, और बाद में इसको उन्नयन करते हुए इसमें शारीरिक अभ्यास के साथ मैदान, ड्रिल प्रयोजनों के लिए ब्लैक टॉप, सिमुलेशन अभ्यास के लिए इंडस्ट्रियल फायर टावर, रेस्क्यू ड्रिल के लिए ड्रिल टावर, बीए गैलरी, मॉडल फायर स्टेशन, एमटी सेक्शन, इन सभी के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं को भी सम्मिलित किया गया।
यहां पर जबकि सीआईएसएफ की तरफ से फायर विंग की तरफ से सभी ड्रिल्स का आपके सामने कर चुके हैं। तो यहां पर आज के मुंबई मैं फिर नामी से बोलूं कि वो मंच का मैं आभारी हूँ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कि उन्होंने इतना सुंदर प्रदर्शन किया और देशभक्ति की जो झलकियाँ आज हमें दिखने प्राप्त हुई उसके लिए मैं काफी आभारी हूँ टू द CISF टीम। विद लव बिगिन विद द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। पिछला साल जो था काफी मेमोरेबल रहे जो सामने रहता है हमारे लक्ष्य के सामने जो कठिनाइयाँ आती है उसको हम कैसे पार करके आगे जा सकते हैं और सक्षम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर होप है जिंदगी में आशा की किरण है तो हम किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रणामी आपने। लक्ष्य जो हमारा जो पिछले साल गुजरा है कोरोना के टाइम पे बहुत मुश्किलें रहीं, बहुत चुनौतियाँ रहीं, पर वहाँ पर इस इकाई के इस महान कंपनी NTPC के लोगों ने जो शानदार साहस दिखाई, जो क्षमता का प्रदर्शन किया जिसकी वजह से हम लोगों ने कोरोना जैसे एक विश्वव्यापी महामारी का सामना किया, तो निस्संदेह इसमें काफ़ी लोगों का अभूतपूर्व योगदान रहा। और निस्संदेह आज के समय हमें इन सभी को उनके सराहनीय कार्यों के लिए जरूर सम्मानित करना चाहिए। वो उन लोगों के क्योंकि जहाँ पर सभी लोगों को किस तरीके से न केवल हमें कोरोना महामारी के विषय में उनको जागरूक करना था, उनसे आग्रह भी करना था कि नहीं वो घर में रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, तो वहाँ पर अपने कर्तव्यों का भी आपको पालन करना था और इसके अलावा लोगों को भी समझाना था। तो इस लिहाज से NTPC के लोगों का यह योगदान निस्संदेह सराहनीय। NTPC के एम्प्लॉयज ने निरंतर बिजली उत्पादन करके देश की सेवा की है इस कोरोना महामारी के पूरे दौरान। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे साथ है CGM सर, GM ONM सर, GM मेंटेनेंस सर, GM ऑपरेशन सर, कमांडेंट CISF सर। और मैं अनुरोध करूंगी साथी में हमारे जो HODs हैं अरुणाशी सर, AC फायर सर और जितने भी HODs हैं मंच पे VIP पवेलियन में आप सभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में साथ दें। जितने भी सम्मानित अतिथि हैं वो कृपया मंच पर पहुंचे और ताकि पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ किया जा सके। हमारे NTPC एम्प्लॉयज ने काफी सारा योगदान दिया है निरंतर एसेंशियल सर्विसेज के तरफ पावर प्रोडक्शन के लिए। फॉर द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक our employees have done tremendous contribution. To appreciate and motivate everyone, we present herewith the HOP Meritorious Award. मैं बुलाना चाहूंगी सबसे प्रथम जिंजू जॉर्ज फ्रॉम ऑपरेशन डिपार्टमेंट। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन सभी कोरोना वॉरियर्स का भी, इनफैक्ट क्योंकि जितने भी लोगों ने कोरोना के टाइम पे काम किया है वो सभी के सभी भले ही वो लोग फ्रंट लाइन वर्कर नहीं रहे हों लेकिन यदि आप व्यवसायिक दक्षता में अपना कार्य कर रहे हैं तो वो भी आप वॉरियर ही हैं। तो ये सभी लोग वॉरियर हैं, देश की तरक्की में आने वाले जो योगदान है उनसे लड़ने वाले। और यहाँ पर आप सभी लोगों का जरूर यह परिश्रम होना चाहिए कि कम से कम आप तालियों से इनका उत्साह वर्धन तो जरूर करें। सनी ओराओं ऑपरेशन, दिलीप कुमार पाखले असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, तुहीन दे, जितने भी लोगों का नाम बोला जा रहा है कृपया वो मंच के सामने पहले से ही आ जाएं ताकि ज्यादा समय ना लगे। दिलीप कुमार पाखरे, तालियों में कृपया कोई कंजूसी ना रखें, तालियां बजाएंगे तो थोड़ा हाथों में गर्मी भी रहेगी, सर्दी का मौसम है तो आपको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। और बाबा जी ने बोला है राम दिलीप कुमार पाखरे,
श्री तुहिन देव, श्री मूर्तिनाथ ब्रह्मा, श्री अपूर्व कुमार दास, श्री सुमंत साहू, श्री सुमंत साहू,
श्रेणी के कैसे के बाद एम मुरली मोहन, पिंकू मेधी, इंद्रजीत सरकार, जुगेंद्र कार्डों, हिरण्य कुमार बर्मन और सिद्धार्थ सरकार। आप सभी लोग मंच की तरफ आ जाएं। इसके बाद पिंकू मेधी, इसके बाद इंद्रजीत सरकार, श्री पिंकू मेधी, श्री इंद्रजीत सरकार, इसके बाद जुगेंद्र कार्डों जी भी कहीं हम आ जाएं और हिरण्य कुमार वर्मन और सिद्धार्थ सरकार, श्री इंद्रजीत सरकार, श्री जुगेंद्र कार्डों, इसके बाद सिद्धार्थ सरकार सर जी जहां पर भी हो आ जाए मंच की तरफ, है कि सेफ्टी के तरफ हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। सेफ्टी के तरफ जिन्होंने एक्सेप्शनल सर्विसेज दी है मैं उनको सेफ्टी अवार्ड के लिए बुलाना चाहूंगी। सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी कांत पेरू, जोरदार तालियों हो जाए हमारे सेफ्टी अवार्ड विनर श्री लक्ष्मी कांत पेरू के लिए। किसी भी सेंटर के अंदर में सुरक्षा बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और यहाँ पर उन्होंने सुरक्षा के उचित मानदंडों का उन्होंने ध्यान रखा, इसके लिए उनको ये शानदार पुरस्कार। श्री एन हंगन, श्री दिवाकर मिश्रा, दिवाकर मिश्रा जी ये यहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय है, NTPC के चहेते कलाकार भी हैं, सक्षम मंच संचालक भी हैं और अपनी तरफ से काफ़ी योगदान भी समय समय पर NTPC के प्रोग्राम्स में देते रहते हैं। दिवाकर मिश्रा जी, श्री जेकब देवर्मा, सेफ्टी के तरफ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उनका भी काफी योगदान रहता है। मैं बुलाना चाहूंगी फ्रॉम जिलियन इंफ्रा प्रोजेक्ट FGD पैकेज के रिसिवी बोरो, जिलियन इंफ्रा प्रोजेक्ट FGD पैकेज के रिसिवी बोरो को, मेसर्स MFT एंटरप्राइज बॉटम एच मेंटेनेंस से प्रदीप देवनाथ। ये है सेफ्टी अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए, जिन लोगों ने सुरक्षा के जितने भी ऊंचे मानदंड थे मानक थे उन सभी का सफलतापूर्वक पालन किया और इस प्लान की सेफ्टी का भी ध्यान रखा, तो यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व पर उन सभी लोगों का अभिनंदन किया जा रहा है
ताकि आने वाले बाकी जो भी लोग हैं वो भी इनसे प्रेरणा लें और सुरक्षा के मार्गों का ध्यान रखें। मिसर्स इतने में भारत लाइफ हैंडलिंग पैकेज से दामोदर कुमार सिंह भारत मिसर्स फ्रेंड्स इंजीनियरिंग से शुभदीप साहा गणतंत्र दिवस की शानदार सुबह और एक शानदार परेड और जाने के बाद में पुरस्कार वितरण समारोह जहां पर लोगों ने गत वर्ष अपने अपने मालिकों की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जे मेंटेनेंस सर से कि शुभदीप शाह सर जी का मोमेंटो लें और इस बिहार और यहां पर एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कर रहा हूँ वॉरियर्स का कि अब यहां पर हम सम्मानित करने जा रहे हैं गौरवान्वित करने जा रहे हैं उनका अभिनंदन और धन्यवाद करने जा रहे हैं कोरोना वॉरियर्स का। तो यहां पर हॉस्पिटल से सबसे पहले शंकर देवनाथ यहां पर भी मंच के दरवाजे हैं और तालियों से स्वागत कीजिए। लैब टेक्नीशियन शंकर देवनाथ जितने भी विभाग होते हैं किसी संस्थान में तो ऐसे ही मेडिकल के भी सभी विभाग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सारे सारे काम के सुबह और यहाँ पर अब बुलाना चाहूंगा मैं रमन वास्तव को हाउसकीपिंग स्टाफ वो भी कृपया यहाँ पर मंच पर आए सफाई सुरक्षा सेवा सभी लोगों का एक समान योगदान सभी की भागीदारी और किसी भी के भी काम को कमतर करके नहीं आगे जा सकता यहाँ पर तो यहाँ पर इनका स्वागत कीजिए आपका। अभी मैं उनको बुलाना चाहूंगी जिनके लिए हम शायद सरवाइव करते हैं यहाँ जो कोरोना महामारी के दौरान हमें भोजन खाना पानी चाय सब कुछ देते रहे हैं। मैं बुलाऊंगी आईसीएच टीम से सी डी देवन को जोरदार ताली हो जाए। ये भी लोग यहाँ की लाइफ लाइन है जिस तरीके से कोरोना महामारी के बीच में काफी ईफ और बट लगे थे कितने सारे डूज एंड डोंट हो गए थे वहां पर इन लोगों ने व्यवस्था और सेवा सुनिश्चित की कि सभी लोगों को सुरक्षा के मानकों के हिसाब से कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए किस तरीके से फूड प्रिपरेशन की जाए और सभी लोगों को सही समय पर नियत समय पर खाना पानी राशन पहुंचे तो इन सभी लोगों के लिए आईसीएच की पूरी डेडिकेटेड टीम का बहुत बहुत धन्यवाद इनकी डेडिकेशन के लिए इनके समर्पण के लिए। और इसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उन लोगों का यहाँ पर मैं अभिनंदन करना चाहूंगा बुलाना चाहूंगा जिन लोगों ने गत वर्ष अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से यहाँ पर बल का नाम गौरवान्वित किया। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर एचक्यूटी राजेश थालोर वो यहाँ पर मंच पर आए कमांडो फॉर्म का नेतृत्व भी इन्होंने किया था सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव राजेश थालोर जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इन सभी लोगों को सम्मानित करें तालियों के बीच और इसके बाद में हेड कांस्टेबल जीडी एएच खान जिनका कि किसी भी कैसेफ के प्रोग्राम में अभूतपूर्व योगदान होता है जिनको हमारी पूरी टीम बटालियन हवलदार मेजर के नाम से जानती है और आपने इनके द्वारा ही बनाए गए संयोजनों को यहाँ पर डेमो ग्रुप में देखा तो यहाँ पर एएच खान सीएसएफ के टीम ने अभूतपूर्व कहा जोश जोरदार तालियां इनके शानदार प्रदर्शन के लिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हेड कांस्टेबल जीडी कुलभूषण कुमार कि वो भी यहाँ पर मंच की तरफ आए इनका उनकी तरफ से कोई भी इनका पुरस्कार मिल सकता है कृपया एक लोग जो है उनका पुरस्कार मिले।
मैं निवेदन करूंगा खान मेजर से ही कि वो कुलभूषण कुमार जी का पुरस्कार उनकी तरफ से ग्रहण करें। इसके बाद में सिकंदर सिंह कांस्टेबल जीडी जहां पर वो आ जाए। इसके बाद पीपी गोगोई, करण कलिता, आर के तिवारी, अर्पणा पाठक, मैं नाम बता नहीं कर रहा हूं, जहां पर भी आ जाए। इसके बाद सिकंदर सिंह, यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि यहां पर हमने सीआईएसएफ में और एनटीपीसी के सहयोग से हमने यहां पर लोकल यूथ के लिए एक 3 महीने का एक फिजिकल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी, जहां पर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास में प्रशिक्षित बस थे। तो यहां पर सिकंदर सिंह जी ने बहुत ही अभूतपूर्व काम किया और लोगों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मानकों के हिसाब से सीएपीएफ में ट्रेनिंग के हिसाब से उनके सारे प्रशिक्षण को निभाया। इसके बाद पीपी गोगोई का पुरस्कार ग्रहण करेंगे पात्रा, इन्होंने भी लोकल यूथ को ट्रेंड किया ताकि वो लोग तैयारी के साथ मेरी सीएपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो कम से कम शारीरिक दक्षता में पीछे ना हटे। इसके बाद करण कलिता, करण कलिता यहां पर है। हाँ, इसके बाद आगे तिवारी, करण कलिता जिन्होंने की ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें, अभी आयुष्मान भारत आपको याद होगा कि लॉन्च हो गया है सीएपीएफ के लिए, तो काफी सारे डाटा जिनको कंपाइल करना था भेजना था आगे, तो यहां पर करण कलिता जी ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। इसके बाद रोहित कुमार तिवारी, इनका नाम मैं विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेखित करना चाहूंगा कि जेएनके में इन्होंने उग्रवादियों से मुठभेड़ लेते हुए यहाँ पर बल का नाम बढ़ाया। यहाँ पर इनको डीजी की तरफ से भी, डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ की तरफ से भी इनको प्रशस्ति पत्र दिया जा चुका है और इनके गौरव को वहां के आर्मी के जनरल ने भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया था। इसके बाद में लेडी कांस्टेबल अर्पणा पाठक, हेलो मैं चाहूंगा कि उनकी तरफ से जो है एक लेडी कांस्टेबल अर्पणा पाठक पुरस्कार ग्रहण करें। इन्होंने ड्यूटी पर रहते हुए एक हमने एक डमी फेक पास के साथ में एक आदमी को भेजा था, इन्होंने गेट पे अपनी मुस्तैदी का परिचय देते हुए फेक पास को डिटेक्ट किया और पकड़ लिया वहां पर कि इस एक्सेस कंट्रोल पे जब तक मैं हूं यहां से कोई भी जो चीज नहीं जानी चाहिए नहीं जा सकती। इसके बाद यहां पर फायर विंग की तरफ से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इंस्पेक्टर फायर राणा चौबे कि वो जाएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। ये फायर विंग के लोग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटी से छोटी फायर कब बड़ा आपका रूप धारण कर रही थी, सही समय पर उसकी रोकथाम ना की जाए, तो यहाँ पर मिनटों में काम करने वाले सीआईएसएफ फायर विंग के ये जांबाज, ये त्वरित अग्निशमन के बल सदस्य। और इसके बाद अगली सूची में नाम है सब इंस्पेक्टर अग्नि अमित कुमार, वो भी पहुंचे मंच पर और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। इसके बाद हेड कांस्टेबल फायर एमवी राव, कांस्टेबल फायर धीरज कुमार और कांस्टेबल फायर वीर बहादुर, वो भी मंच की तरफ आ जाए। बहुत ही कम समय में रिस्पांस करने वाले सीआईएसएफ फायर विंग के ये सदस्य, कुछ लोग अभी थोड़ा सा ड्यूटी पर है उनकी तरफ से जो है पुरस्कार ग्रहण करें। अमीर आपकी तरफ से पात्र, इसके बाद धीरज कुमार भी हो यहाँ पर और नहीं तो उनकी तरफ से भी कोई पुरस्कार ग्रहण करें। यहाँ पर अभी कुछ लोग उपस्थित नहीं है, एक बार आप दोबारा चले जाइए जब तक दो लोग आते हैं। और इसमें एक पुरस्कार और, वीर बहादुर जी, एक बार आप ले लो। कांस्टेबल फाइव की तरफ से ये सब इंस्पेक्टर अजीत पुरस्कार ग्रहण करते हुए। हमें दुखी नहीं करना।
अब इसके बाद में जिन लोगों ने परेड में पार्टिसिपेट किया था उनको पुरस्कार देने के लिए आगे बढ़ते हैं। परेड कमांडर श्री इंस्पेक्टर एजुबी राणा, इंस्पेक्टर फायर राणा चौबे, परेड की कमान संभाली थी इन्होंने, परेड का पूरा नेतृत्व किया था शानदार, और एक शानदार परेड का आयोजन इनके नेतृत्व में आप सभी ने, हम सब ने यहाँ पर देखा कुछ समय पहले, तो उसके लिए जोरदार तालियां परेड कमांडर इंस्पेक्टर फायर राणा चौबे। इसके बाद में कमांडो प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे थे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव राजेश फालोर, वो मंच की तरफ पहुंचे। कमांडो प्लाटून जिनके हाथ में थी अत्याधुनिक सब मशीन गन कार्बाइन, और जिसका नेतृत्व कर रहे थे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव राजेश फालोर। इसके बाद सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव अजय कुमार जो कि नेतृत्व कर रहे थे, कमान कर रहे थे, सीएसएफ की पारंपरिक वेशभूषा में दूसरी नंबर प्लाटून का। इसके बाद में परेड टू आईसी वो पहुंचे गोपी राम जो कि परेड टू आईसी परेड का निरीक्षण परेड का संचालन परेड आईसी के बाद कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव गोपी राम जिन्होंने यहां पर मूक ड्रिल में भी सूक्ष्म साइलेंट ड्रिल में भी एक अभूतपूर्व योगदान अपना दिया था। इसके बाद में सब इंस्पेक्टर फायर अमित कुमार जो कि अग्निशमन की प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे, और इसके बाद में डेमोस्ट्रेशन में भी इनका एक उल्लेखनीय योगदान था। जोरदार तालियों से जरूर स्वागत कीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर पहली बार उपस्थित होते हुए डीजीआर की प्लाटून जिन्होंने थोड़ी समय में एक अपना अभूतपूर्व अपना उल्लेखनीय जो है यहाँ पर योगदान दिया था परेड के अंदर में, और जिसका नेतृत्व किया था जय मुशाहारी ने, तो कृपया मुझे मंच पर और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। जय मुशाहारी। तो यहाँ पर जो जिन लोगों ने सुरक्षा के अंदर में अभूतपूर्व योगदान दिया था और शानदार परेड का आयोजन किया था आप सभी के सामने, जो कि लोग वास्तव में पुरस्कार के अधिकारी थे, उन सभी लोगों का पुरस्कार देकर के यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनटीपीसी के प्रमुख का, सीएसएफ कमांडेंट का, और बाकी सभी लोगों का भी। उसके अलावा अभी भी पुरस्कार और बचे हुए हैं जिनके लिए मैं पूरे प्रणामी को बोलूँगा कि वो उनका जो है उनको बुलाएं मंच पर। Our QC and PC teams have recently brought laurels to NTPC Bongaigaon. May I now welcome Team Aqua Power, who was the station QC winner. Team Aqua Power from Chemistry. Shamal Banerjee, Facilitator. Devpalya Dhar, Deputy Facilitator. Apurva Jyoti Das, Member. Our station PC winner, Team Electrical, Gyan Ankur Sanwal, Prem Kishan Kshetriya, Anvesh Chella. फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रतीता सर से कि टीम एक्वा पावर के बिहाफ में स्टेशन पीसी विनर वाली ट्रॉफी रिसीव करें। अभी मैं अनुरोध करूंगी स्टेशन पीसी विनर टीम इलेक्ट्रिकल से ज्ञान अंकुर सरवाल, प्रेम किशन क्षेत्रीय, अन्वेश चेला को कि वो अपना ट्रॉफी ले। मैं बुलाना चाहूंगी रीजनल लेवल क्यूसी कन्वेंशन ईस्टर्न रीजन टू विनर टीम ब्लैक ट्रेजर को, मेंबर तावज बनर्जी फैसिलिटेटर, विजय ब्रह्मा मेंबर, राजीव नर्जरी मेंबर, पलाश बरगियारी एंड सुदेव कोवारी। जोरदार ताली हो जाए टीम ब्लैक ट्रेजर के लिए, उन्होंने रीजन लेवल क्यूसी कन्वेंशन जीता था।
तो इसी के साथ में यहाँ पर पुरस्कारों की समाप्ति। यहाँ पर मैं सभी लोगों का हार्दिक आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा। इस राष्ट्रीय पर्व पर 26 जनवरी आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसके बाद With this, we come to the end of the Republic Day celebrations as NTPC Bongaigaon. हमें खेद है कि कोरोना की प्रतिबंधों की वजह से हम जो कल्चरल प्रोग्राम कराते थे वो नहीं करा पाए, पर nevertheless CISF टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे CISF सर के नेतृत्व में जो एक सुंदर सा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, वो भी बहुत ही शॉर्ट नोटिस में। I'd like to thank you, sir. कि आज का जो रिपब्लिक डे सेरेमनी था उसका मतलब मान जो हम करते थे वो हम कर पाए इस साल भी। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी चौला सर से कि वो वोट ऑफ थैंक्स ज्ञापन। धन्यवाद प्रणवी। आज के गणतंत्र दिवस की आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गणतंत्र दिवस के इस खूबसूरत सुबह पर इस खूबसूरत कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए हमारे परियोजना प्रमुख श्री सुब्रत मंडल सर, मुख्य महाप्रबंधक NTPC बोंगाईगांव, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें हमेशा मार्गदर्शित किया है और साथ ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे GM वर्डन सर, GM मेंटेनेंस, GM ऑपरेशन, साथ ही साथ हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मुखिया कमांडेंट ब्रह्मा सर, साथ ही डिप्टी कमांडेंट AC फायर, AC सिक्योरिटी और हमारे DGR के जवानों का, जिन्होंने एक खूबसूरत परेड का प्रदर्शन यहाँ पे किया। ना केवल प्रदर्शन, खूबसूरत परेड किया और उसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे साइलेंट ड्रिल और जो फायर ड्रिल का जो प्रदर्शन किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मोटरसाइकिल पर जो राइड थी वो उसने बच्चों का दिल मोह लिया और जो ब्रांच कैनाल, खासतौर से डिफ्यूजर कैनाल और तिरंगे वाली जो कैनाल थी, वो सभी बच्चे जो है खूब जोर जोर से उसमें जो है, अगर सीटी होती तो सीटी जरूर बजा रहे होते, लेकिन उनकी किलकारियां बता रही थी कि दर्शकों का मन मोह लिया। तो इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए आप सभी CISF के जवान बधाई के पात्र हैं। मैं इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा सभी HODs का, बाढ़वी शिक्षा लेडीज क्लब की समस्त सदस्यों का, कि आपकी गरिमा भाई उपस्थिति हम सभी को यहाँ पर नसीब में मिली। मैं हमारे नोटे डैम के टीचर्स और उनके बच्चों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं सभी अवार्डीज को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने उत्कृष्ट अपना जो कार्य यहाँ पे किया गत वर्ष में, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अन्य कर्मचारी ऐसे ही प्रोत्साहित होते रहेंगे और इस परियोजना को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। इस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए हमारे साथ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, सिविल मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ICH और मेरा अपना विभाग मानव संसाधन विभाग, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूँगा। और जिस किसी को भी मैं धन्यवाद यहाँ पे याद नहीं कर पा रहा हूँ और वो क्षमा करेंगे, मैं आप सभी इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग किया, आपका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि अभी हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने टी गार्डन के आंगन में वृक्षारोपण का आयोजन किया है, तो नूली जी मुझे इशारा कर रहे हैं कि सभी लोगों को जो है यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, तो आप सभी से अनुरोध है कि टी गार्डन की तरफ में प्रस्थान करें, वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पुनः आप सभी के यहाँ पे सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शिवरा मनोगरीम ना रखी भाई हम लोग को फोटो ले लेना यार रुको मोबाइल से लेगा वो वाला नहीं पड़ा फोटो আরে বলে বেঙ্গল যাব লাগে বলে তাই খুশি ওয়ে কই আছে আপনি সুপার ডাঙ্গলে আর বেঙ্গল কি যাব না জানতো আমি না যাব তুমি ওমা খুশি ওগলা রাইড আউ এটা ওড়িকা জেলার মানুষ মানে সব সব তাহলে বেঙ্গল যা আর যদি বেঙ্গল যদি করাই তাহলে আমি এটা না করি হবে না আমি বেঙ্গল না জানতো আমি ডাবল ডাবল খাম না করি তোমরা খুশি বেঙ্গল না করব খুশিটো আগত অই কৃষ্ণ
क्या हाँ बस हाँ वहाँ पर मैं देखा नहीं एक्चुअली, अब जाके देख सकते हैं ठीक है। हेलो এই যে রিপাবলিক ডে
खत्म और अपना वाला इंटरव्यू किया गया है भैया कल देखेंगे লাগি ললে ল হাতত লব লাগে না বলাই হয়ে গো করছে হয়ে গো